Hello to all my dear kids, welcome you all to the session. So is my voice is audible to all of you and I am visible everyone? एक बार फटाफट से thumbs up दे दीजिए. Hi guys, कैसे हैं आप सब लोग? So let's go ahead with the today's session. तो आज की क्लास हम यहाँ पे बिगिन करेंगे. So जैसे कि आप सबको पता है, मैम ऑलरेडी स्टार्टेड विद योर डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट. सो हाई एवरी वन. सो बिल्कुल सुनाई दे रहा है ना सबको? ओके, सो हेलो टू ऑल ऑफ यू. I think you all are doing very good, है ना? और चलिए यहां से हम बिगिन करते हैं अपने आज के सेशन को. जस्ट वेट. सो मैम की वॉइस ऑडिबल है ना? बिल्कुल गाइज, एक बार बता दो, थम्स अप दे दो. वॉइस भी ऑडिबल है और मैम विजिबल भी है. ओके, so I think everything is fine. So let's go ahead with the session. और ये आप देख सकते हैं, here's your खुशबू चोपड़ा मैम with you, your chemistry educator at An Academy. और हम करने वाले हैं आज डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कशन, कि किस तरीके से ये एलिमेंट्स अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और किस तरीके से यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आते हैं. ये सारा पार्ट हम कवर करेंगे. सो लेट्स गो अहेड. ओके, तो पूरा का पूरा फिजिकल प्रॉपर्टीज का डीएनएफ ब्लॉक का पार्ट मैम आज की क्लास में फिनिश करेंगे. ऑलरेडी मैम ने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ. सो इंट्रोडक्शन हमने कर लिया. इंट्रोडक्शन में हमने सीखा था कि जो आपके डी ब्लॉक है, इस दिन से डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से पीरियड से बिगिन हुए थे, तो जल्दी से सब लोग आंसर कर दीजिए. यस एवरीवन, सो यू कैन सी दिस इज माय कोड हेला 20. ये मैम का रेफरल कोड है जिसपे आप सबको मिलता है 10% का ऑफ ऑन अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन पे. ओके, सो इसी पावर के साथ हम अपने सेशन को आज बिगिन करने वाले हैं. ठीक है, तो सुपर पावर के साथ अपनी सुपर स्टडीज करेंगे. सो लेट्स गो अहेड गाइस. सो व्हाट यू कैन सी कि अगर हम अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज की बात करें, सो व्हाट यू ऑल आर गोइंग टू गेट हियर, यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ लाइव क्लासेस. आपके हर हफ्ते टेस्ट होते हैं यहाँ पे टू चेक योर परफॉर्मेंस, एज वेल एज यू आर गोइंग टू गेट द अनलिमिटेड एक्सेस. ठीक है, कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, आपके पास बहुत सारा एक्सेस है. तो आप जब मर्जी चाहे तब पढ़ सकते हैं, जिससे चाहे उससे पढ़ सकते हैं. सो यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज हियर. सो जस्ट गो अहेड फॉर द कोर्स. एज वेल एज इफ आई टॉक अबाउट द आइकॉनिक बैचेस, तो आइकॉनिक बैचेस में यू कैन सी आपको मिलता है पर्सनल गाइडेंस. आपका टेस्ट जो लिया जाता है उसमें ये तक बताया जाता है कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं और कैसी मिस्टेक्स कर रहे हैं. सो प्रॉपर आपको गाइडेंस दी जाती है, पर्सनल गाइडेंस दी जाती है, एज वेल एज आपको एक बेस्ट स्टडी मटीरियल भी प्रोवाइड होता है बाय अन अकेडमी. So you can see, अगर हम प्लस कोर्सेज की बात करें, सो व्हाट यू आर गोइंग टू हैव ऑन प्लस कोर्सेज, आपके पास प्लस कोर्सेज में 12 मंथ्स पे यू आर गेटिंग 54% का ऑफ एंड फॉर 24 मंथ्स यू आर गेटिंग 67% ऑफ ऑन द कोर्स. एज वेल एज इफ यू टॉक अबाउट द आइकॉनिक बैचेस, तो आइकॉनिक बैचेस में आप देख सकते हैं 18 मंथ्स पे आपको मिलता है 30% का ऑफ. ठीक है, और आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ तब मिलता है जब आप इस कोड को हेला 20 कि सुपर पावर का आप यूज करते हो, तो यू आर गोइंग टू गेट द सुपर ऑफ ऑफ 10%. सो आप देख सकते हो भाई गाइस कि ये आपके अपकमिंग बैचेस हैं. अगस्त में ऑलरेडी बैचेस को बिगिन कर दिया गया है. ठीक है, दीज आर द अर्ली एक्सेल बैचेस. ओके, तो अगर आपने ड्रॉप लेने का भी डिसाइड कर लिया है, सो यू कैन गो अहेड फॉर दीज बैचेस. जेई एडवांस की 2022 के तैयारी ऑलरेडी स्टार्ट करा दी गई है, एज वेल एज योर 2023 इफ यू आर इन द क्लास 11th एस्पिरेंट. ये आपके पास करेंट बैचेस हैं, आपकी टेस्ट सीरीज भी चल रही है अन अकेडमी पे. और अगर आप ये वाला जेई मेंस का फोर्थ अटेम्प्ट देने की तैयारी कर रहे हो, सो यू कैन गो अहेड फॉर दिस टेस्ट सीरीज. सो गाइस क्विकली ज्वाइन द सेशन एंड लेट्स गो अहेड विद द टुडेज क्लास. ये आप देख सकते हैं आपके पास 12 मंथ्स 24 मंथ्स के ऑफर हैं, एज वेल एज यू हैव आईआईटी जेई प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफर्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू बाय 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, सो यू आर गोइंग टू गेट द 2 मंथ्स एक्स्ट्रा एक्सटेंशन ऑन दैट. अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तब भी आपको क्या मिलता है, 2 मंथ्स का और एक्सटेंशन मिलता है इस पे. ठीक है, अगर आप देखते हो ये आईटी जेई के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस, ऑन योर आईटी जेई आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो आपको क्या मिलता है, ब्रांडेड स्टडी मटेरियल भी अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है ऑन 12 मंथ्स 18 मंथ्स एंड 24 मंथ्स के कोर्स पे. सो ये सारा स्टडी मटेरियल भी आपको यू ऑल आर गोइंग टू गेट. ये आप देख रहे हैं संडे को, हर संडे अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, अनअकैडमी कॉम्पैक्ट स्कॉलरशिप, जहां पे आप स्कॉलरशिप को जीत सकते हो, एज वेल एज यू कैन बी अ लकी पार्टिसिपेंट ऑल्सो. सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस आउट. ओके, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए कि आप कहीं लकी पार्टिसिपेंट निकल गए. सो यू आर गोइंग टू गेट द सरप्राइजिंग वाउचर्स, एज वेल एज यू कैन सी
कि आपको क्या मिल सकती है, बहुत सारी स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ITJEE का प्राइस हाइकिंग। ओके, सो इस प्राइस हाइकिंग से बचने के लिए आप जितना जल्दी कोर्सेज को लेना चाहते हैं, यू कैन गो अहेड एंड जस्ट गो विद योर एम ऑफ लेट्स क्रैक इट। और देखिए, जैसा कि मैम आपको हमेशा कहते हैं कि अनअकैडमी आपको फ्री स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड करता है। ओके, इन योर फ्री स्पेशल क्लासेस डेली होती हैं, ये क्लासेस आपके लिए फ्री स्पेशल क्लासेस डेली ऑर्गेनाइज कराता है अनअकैडमी ऑन अनअकैडमी ऐप। सो अनअकैडमी ऐप के साथ आप अपनी पढ़ाई को और अच्छा कर सकते हैं बाय यूजिंग योर पोल। तो डेली मैम आपको क्या करती है, पोल में पार्टिसिपेशन कराती है। डेली हमारी क्लास होती है 1 AM। ओके, 10 AM पे हम प्रैक्टिस करते हैं फॉर योर JEE मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, डेली आपका ये सेशन लिया जाता है JEE मेंस की क्वेश्चन प्रैक्टिस का, एज वेल एज एट 12:30 PM। ओके, डेली ये सेशन हो रहे हैं फॉर दिस इज फॉर योर JEE एडवांस। तो आप इन सेशंस में भी क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो व्हाट यू हैव JEE मेंस एंड JEE एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस गोइंग ऑन डेली, सो जस्ट गो विद दिस। और ये हम अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी एवरीवन? ओके, सो चलिए एक बार थम्स अप दे दीजिए सब लोग, और थम्स अप देके इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने कल के क्लास में डिस्कस कर लिया था, इजंट इट? तो हमने ये देखा था कि हाउ टू अंडरस्टैंड अबाउट दी प्रॉपर्टी फिजिक्स, वी हैव स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ योर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। हमने डी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, और इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, किस तरीके से आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हो। सो ये सारी प्रॉपर्टीज देखने के बाद अब मैम अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछे, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, सो आप बताएंगे क्या हो सकती है द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो एनी गेसेस गाइस, बताइए फटाफट से, व्हाट यू थिंक, व्हाट आर योर करेक्ट गेस कि क्या हो सकती है करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर ट्रांजिशन एलिमेंट। सो वी कैन से कि जब जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करेंगे, है ना, तो हम क्या कह सकते हैं कि s ऑर्बिटल तो वहां पे ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है। सो NS2 इज ऑलरेडी फिल्ड हो चुका है टिल योर कैल्शियम, है ना। कैल्शियम तक हम जानते हैं ये फिल्ड हो जाता है टिल योर एटॉमिक नंबर 20। और जैसे ही हम d सीरीज की बात करते हैं तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर स्कैंडियम, दैट इज 21। तो जैसे ही आपकी स्कैंडियम से सीरीज बिगिन होती है, सो वी कैन से NS2, इजंट इट? और आपका जो डी ऑर्बिटल जाता है, या डी ऑर्बिटल कौन से शेल का पार्ट होता है, इज अ पार्ट ऑफ योर पेनल्टीमेट शेल, दैट इज लेस वन लेस देन एन, इजंट इट? सो यू कैन से एन माइनस वन शेल में एंटर करेगा, और एन माइनस वन के वो भी डी ऑर्बिटल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स यू कैन गिव, यू कैन यू नो यू आर गोइंग टू हैव 5 ऑर्बिटल्स। आपके पास यहाँ कितने ऑर्बिटल्स होने वाले हैं, 1, 2, 3, 4 and 5, so you are going to have 5 orbitals, and in 5 orbitals mein you are going to place 2 electrons each, so how many electrons you are going to have, 1 to 10 electron. So aap easily dekh ke bata sakte ho that which option is going to be correct, that is your option number 1 as NS2 and minus 1d 1 to 10, hai na. To ye wala part humne dekh liya tha. So aaj ki class mein hum kya dekhne wale hain, आज की क्लास में हम देखेंगे अबाउट योर फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किस तरीके से यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज का ट्रेंड चेंज हो रहा है, दैट ऑल पार्ट वी आर गोइंग टू सी टुडे। सो आई थिंक एवरीवन इज रेडी टू अंडरस्टैंड दिस, सो लेट्स सी गाइस। सो अगर हम यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, जस्ट वेट, यस, तो देखिए अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं और हम देखेंगे कि इनके अंदर एटॉमिक साइज में किस तरीके से चेंज होता है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अलोंग द पीरियड। तो हमने कैसे बात करी, सबसे पहले अलोंग द पीरियड हम बात कर लेते हैं। जब हम अलोंग द पीरियड बात कर रहे हैं तो हमें पता है हमारे पास कौन से एलिमेंट है। हमने सबसे पहले ले ली यहाँ पे आपकी 3D सीरीज की अगर हम बात करते हैं, सो व्हाट यू नो, यू आर गोइंग टू स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, है ना। तो इस तरीके से आपके पास ये आपकी 3D सीरीज हो जाती है।
अब 3D सीरीज के अगर अंदर हम देखें तो किस तरीके से आपका साइज इज गोइंग टू बी इंक्रीज एंड हाउ योर साइज इज गोइंग टू बी डिक्रीज, ये पूरा वेरिएशन हमें अच्छे से पता होना चाहिए. सो व्हाट आई कैन से कि जैसे ही आप स्कैंडियम से लेके एज यू आर मूविंग टिल योर वेनेडियम और क्रोमियम, है ना, जैसे ही यहां तक मूव करते हो और मान लीजिए आप मैंगनीज तक, तो जैसे ही आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, आप सब जानते हो कि इनिशियली आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन इनके अंदर क्या होता जा रहा है, फिल होता जा रहा है. सो हियर यू आर गोइंग टू सी D1, यहाँ पे D2, यहाँ पे D3, D4 और D5, फाइव अनपेड इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आपके पास फिल हो जाते हैं मैंगनीज तक. तो जैसे जैसे हम यहाँ पे मैंगनीज तक पहुंचते हैं तो वॉट वी आर गोइंग टू सी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है With the increase in nuclear charge, isn't it? You all know कि जैसे जैसे आप along the period move करते हो so your nuclear charge is going to be increased. आपका nucleus के अंदर charge क्या होने लगता है, increase होने लगता है. So increase in nuclear charge. तो जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, मतलब Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो मुझे ये बताइए कि जैसे ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो इससे साइज पे क्या फर्क पड़ता है, हाउ योर साइज इज गोइंग टू बी अफेक्टेड. तो हम ये कहेंगे जैसे ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है योर साइज इज गोइंग टू बी डिक्रीज, बिकॉज न्यूक्लियस की जो पावर है टू अट्रैक्ट योर शेल इज गोइंग टू बी इंक्रीज, तो साइज हमारा डिक्रीज हो जाता है. ये ट्रेंड यहां तक तो बहुत सिंपल है, कॉमन है और हम कह सकते हैं ओके ये वाली बात हमें समझ आती है. तो यहां तक हम देखते हैं कि एकदम से क्या दिखेगा, हमें डिक्रीज होता हुआ दिखेगा. बट नाउ जैसे ही हम बात करें मैंगनीज से फिर आयरन, कोबाल्ट और निकल की तरफ जब हम जा रहे हैं, सो व्हाट वी आर गोइंग टू सी कि यहाँ पे अब आप देखोगे कि ये जो साइज होता है इन सबका, इट्स गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली सेम. तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं कि टिल योर निकल, ओके, व्हाट यू विल फाइंड कि यहाँ पे आपका साइज जो होता है आयरन कोबाल्ट निकल का, साइज इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली सेम. साइज क्या आएगा आपका, लगभग सेम आने वाला है. तो क्या रीजन है कि यहाँ पे ये साइज सेम आ रहा है आपका, एनी गेसेस एनीवन, क्या आप सोच सकते हो क्या रीजन होगा. और फिर आप ये सोचिए कि कॉपर से जब हम जिंक की तरफ जा रहे हैं, सो कॉपर से जिंक की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे साइज में क्या वेरिएशन आने वाला है, व्हाट विल बी द चेंज इन साइज. सो व्हाट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व, आप देखोगे कि टोटल आप 3 वेरिएशंस देख रहे हो एक डी सीरीज के अंदर ही. तो इनिशियली यू आर गोइंग टू सी कि मैंगनीज तक जाते जाते साइज तो घट गया, फिर आप देखोगे आयरन से निकल तक जाते जाते आपका साइज लगभग सेम है, और फिर जब आप कॉपर से जिंक की तरफ मूव कर रहे हो सो यू विल फाइंड द थर्ड वेरिएशन दैट साइज इज गोइंग टू बी इंक्रीज. क्या दिखेगा आपको, साइज इंक्रीज होते हुए दिखेगा. अब इन सब का अपना अपना रीजन है, वी शुड बी नोइंग दैट. तो यहां पे क्या रीजन हुआ कि आपका साइज एकदम से इंक्रीज हो जाएगा. सो व्हाट वी कैन से, आप सबको पता है कि डी ऑर्बिटल कैसा शेल है, आपका पेनल्टी बेस शेल. ये आपके पास क्या है, एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स, ये बाहर आपका एस ऑर्बिटल है, ये आपके पास N-1d ऑर्बिटल है, ये हमने कहा nth ऑर्बिटल है, है ना. तो ये जो N-1d ऑर्बिटल है, जैसे ही आप कॉपर तक आते हो सो यू ऑल नो कि कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी. सो कॉपर इज गोइंग टू हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d10 4s1, है ना. सो व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड, आपको क्या दिखेगा कि कॉपर के अंदर जैसे ही आप कॉपर तक पहुंचे तो ये जो N-1d ऑर्बिटल है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, इस N-1d ऑर्बिटल में आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं. कैन यू सी दिस, N-1 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, N-1d के अंदर आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हो चुके हैं जैसे ही आप कॉपर तक पहुंचते हो. और S के अंदर तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स थे आपके पास. सो व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड कि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज नहीं होता, बल्कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन बहुत हाई हो जाता है बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ योर N-1d इलेक्ट्रॉन. N-1d क्योंकि 10 भर चुके हैं. अब 10 भर जाने की वजह से आप सोच लीजिए क्या होने वाला है, वहां पे 10 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ किसी कमरे में बंद है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता ना, क्योंकि मतलब पॉसिबल है बट वो क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को रिपेल, है ना. फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि अब आप यहाँ पे देख सकते हो एक ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, है ना. जब बहुत सारे कजन्स एक घर में इकट्ठे हो जाते हैं सो व्हाट दे आर गोइंग टू डू, पूरे घर में हल्ला करते रहते हैं, इज़न्ट इट.
सो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे भी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करेंगे, लड़ाई करने लगेंगे, एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे. सो एज दे आर गोइंग टू रिपेल, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि रिपल्शन आर गोइंग टू डोमिनेट. सो रिपल्शन इज गोइंग टू डोमिनेट हियर. तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन, और क्यों हो रहा है रिपल्शन डोमिनेट, बिकॉज ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रिपेल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रहा है. सो आप देखोगे कि यहाँ पे साइज क्या हो जाएगा, कॉपर से जिंक पे जाते जाते साइज इंक्रीज हो जाएगा. और ये बीच वाला रीजन क्या देंगे हम, कि वाई योर साइज इज गोइंग टू रिमेन अप्रोक्सीमेटली सेम हियर, यहाँ पे क्यों साइज आपका सेम रह रहा है ना, इसका रीजन भी हमें समझना चाहिए. सो हम यहाँ पे कह सकते हैं दिस इज बिकॉज बोथ योर अट्रैक्टिव फोर्स एज वेल एज योर रिपल्सिव फोर्स दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कंपेंसेट कर रहे हैं. तो दोनों अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्स दोनों ही अपने आप को कंपेंसेट करेंगे, तब हम कहेंगे साइज इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली सेम. ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हो कि वॉट इज द रीजन फॉर द इंक्रीज इन साइज, वॉट इज द रीजन फॉर द डिक्रीज इन साइज. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, तो इस ट्रेंड को हम यहाँ पे देख भी सकते हैं. सो यू कैन सी, अभी मैम दिखाएंगे, एज वेल एज, अब हम बात कर लेते हैं जब हम किस में मूव करेंगे, ग्रुप्स में, व्हेन यू आर गोइंग टू मूव इन ग्रुप. ओके, जब आप ग्रुप्स में मूव करेंगे फ्रॉम 3D सीरीज टू 4D सीरीज टू 5D सीरीज, तो जैसे ही आप 3D 4D टू 5D सीरीज में मूव करेंगे, सो हाउ यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व द चेंज. तो जैसे ही हमने बात करी हम 3D से 4D पे गए, सो व्हाट विल हैपन, और जैसे ही आप बात करोगे आप 4D से 5D पे गए, तब क्या होने वाला है. ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा सस्पेंस है क्या होने वाला है. अगर हम जनरल बात करें सो व्हाट वी कैन से, कि जब भी आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो, इन जनरल जब भी आप टॉप से लेके बॉटम पे मूव करोगे, सो व्हाट यू आर गोइंग टू सी द एडिशन ऑफ न्यू शेल, और जैसे जैसे नया शेल ऐड होता जाएगा तो आप देखोगे कि साइज क्या होने लगेगा, हमेशा ही इंक्रीज होने लगेगा. एज यू आर गोइंग टू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यू आर गोइंग टू फाइंड साइज इज गोइंग टू इंक्रीज जैसे ही आप टॉप से बॉटम की तरफ जाओगे. बट जब भी हम 3D या d ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, हमने 3D सीरीज 4D सीरीज और 5D सीरीज की अगर ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ना चाहा, तो हमने ये देखा कि एज वी आर मूविंग फ्रॉम 3D टू 4D, सो व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व, कि साइज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है. व्हाट विल बी द रीजन, क्यों साइज इंक्रीज हुआ 3D से 4D पे जाने पे, सो वी कैन गिव द सेम रीजन, बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ न्यू शेल, एडिशन ऑफ न्यू शेल, क्योंकि नया शेल आपका क्या हो रहा है, एड ऑन हो रहा है, जिसकी वजह से आपने देखा 3D से 4D जाने पे साइज क्या हुआ, आपका इंक्रीज हुआ. बट अगर हम बात करें 4D से 5D जाने पे ऐसा क्या हुआ, कि यहां पे आप इंक्रीज नहीं देखोगे, यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड द इंक्रीज इन साइज जैसे ही आप मूव करोगे 4D से 5D की तरफ. So, क्या कोई बता सकता है मैम को व्हाट विल बी द रीजन फॉर दिस, क्या रीजन हो सकता है इस चीज का. सो हम ये कहेंगे कि जैसे ही हम कहां से कहां मूव करने लगेंगे, 4D से 5D की तरफ मूव करने लगेंगे, सो वी आर गोइंग टू सी, अगर आपको याद हो तो मैम ने आपको कल के सेशन में बताया था कि 5D सीरीज से आपकी क्या स्टार्ट हो जाती है, यू विल फाइंड द प्रेजेंस ऑफ योर इनर ट्रांजिशन सीरीज, है ना, आपके पास यहाँ पे इनर ट्रांजिशन सीरीज की स्पेस बनने लग जाती है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ योर एफ ऑर्बिटल आने लग जाता है. ठीक है, सो एफ ऑर्बिटल की वजह से, तो एफ ऑर्बिटल ऐसा क्या करते हैं, व्हाट दीज एफ ऑर्बिटल्स आर गोइंग टू डू, कि इनकी वजह से 4D से 5D पे जाने पे साइज इंक्रीज नहीं हो पा रहा. सो व्हाट वी कैन से, कि जो एफ ऑर्बिटल्स होते हैं, इनका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, शील्डिंग मतलब प्रोटेक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस से प्रोटेक्शन बहुत पुअर करते हैं. सो व्हाट वी कैन से, दिस इज बिकॉज ऑफ द वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल्स, है ना, क्योंकि एफ ऑर्बिटल्स का बहुत ही बुरा शील्डिंग इफेक्ट होता है.
सो क्योंकि उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत बुरा है, सो व्हाट यू कैन सी कि यहाँ पे ये न्यूक्लियस का बहुत ज्यादा चार्ज है, ठीक है। अब ये आपका एफ ऑर्बिटल है, अब आप देख सकते हो ये एफ ऑर्बिटल का जो प्रोटेक्शन है इट्स नॉट गुड, सो यू कैन सी ये बीच बीच में से क्या कर रहा है, कट रहा है ना। इसको हम कहते हैं बिकॉज ऑफ द डिफ्यूज्ड स्ट्रक्चर ऑफ एफ ऑर्बिटल। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एफ ऑर्बिटल का जो स्ट्रक्चर होता है वो हाईली डिफ्यूज्ड स्ट्रक्चर होता है, डिफ्यूज्ड शेप ऑफ योर एफ ऑर्बिटल। सो व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड कि यहां पे आप देखोगे कि स्पेसेस रह जाएगी, खाली जगह, तो अब ये आउटर ऑर्बिटल को क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा न्यूक्लियस। सो प्रॉपरली शील्ड नहीं कर पा रहा ये न्यूक्लियस अपने शेल को, सो यू कैन सी एफ ऑर्बिटल को, ये आपका अंदर वाला एफ ऑर्बिटल है, ठीक है, ये एफ ऑर्बिटल है, इसको मैम ऐसे करके दिखा देती है, ओके ये एफ ऑर्बिटल है, और यू कैन सी इसकी शील्डिंग ये कैसा है, डिफ्यूज्ड, बीच बीच में से ये ब्रेक हो रहा है, इजंट इट, ब्रेक होने की वजह से ये आउटर मोस्ट शेल को बचा नहीं पाता न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने से। सो व्हाट विल हैपन कि न्यूक्लियस इस आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। यू कैन सी दिस इज द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस इस आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, यू कैन सी इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे ही न्यूक्लियस इस आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो साइज क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा इंस्टेड ऑफ इंक्रीज। सो व्हाट वी विल फाइंड कि जैसे ही हम 4D से 5D पे गए तो साइज इंक्रीज नहीं हो रहा, व्हाई, बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल। इज इट क्लियर गाइज, तो ये हमने देख लिया कि किस तरीके से साइज में वेरिएशन आने वाला है। सो आप ये ग्राफ, ये जो आपको ग्राफ दिखाया आप यहां से भी देख सकते हो that initially your size will decrease in the period, और फिर बिल्कुल सेम हो जाएगा, and lastly you will find it's going to increase. Okay? So ये आपने देखा किसमें variation आ रहा है आपके size में। In the similar manner, हम किसमें variation देख सकते हैं, आपकी ionization energy में भी variation देखेंगे। तो चलिए अब हम आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू की बात करें। सो यू ऑल नो, पहले हम वो ही सीरीज की बात कर लेते अपनी 3D सीरीज की। तो जब हम 3D सीरीज की बात कर रहे हैं, सो व्हाट यू हैव अगेन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, इजंट इट। तो हमने यहां पे क्या देखा, वी हैव सीन कि यहां पे आपका साइज क्या हो रहा है, साइज इज गोइंग टू बी डिक्रीज। तो इनिशियली आपने देखा कि साइज क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है। अब जब साइज आपका डिक्रीज हो रहा है, सो यू ऑल नो द रिलेशन ऑफ साइज along with the ionization energy. So you know, जैसे ही आपका size decrease होगा, your ionization energy is going to be increase. So what you are going to find, कि यहां पे आपकी ionization energy की value क्या होने लगेगी, it's going to increase. I think this is clear to all of you. बिल्कुल समझ आ रहा है ना सबको, एक बार बताओ यार, thumbs up दे दो फटाफट से, यार session को share वेयर कर दिया करो। ओके ओके ओके, आई थिंक योर कमेंट्स वर नॉट विजिबल टू मी। हाँ, आज का सेशन आपका बस फिजिकल प्रॉपर्टीज का रहने वाला है। ओके ओके, एक्चुअली योर कमेंट्स वर नॉट विजिबल इनिशियली। हाय प्रिया, हाय नम्रता, हेलो विकास, हेलो विष्णु, हाय गाइस, वेलकम। ओके, सो व्हाट वी कैन से, हाँ तो आज का सेशन पूरा फिजिकल प्रॉपर्टीज का ही रहने वाला है। हाय योगेश, हेलो डियर। ओके, सो व्हाट यू विल फाइंड कि जैसे ही हमने बात करी कि यहाँ पे साइज डिक्रीज हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, साइज डिक्रीज हो रहा है, सो योर आयनाइजेशन एनर्जी इज गोइंग टू बी इंक्रीज, ऐसा कह सकते हैं ना। अब इसके बाद व्हाट यू आर गोइंग टू सी, यहाँ पे हमने देखा था साइज विल रिमेन सेम, साइज सेम रहेगा, सो आयनाइजेशन एनर्जी, so what I can say, ionization energy is also going to remain same. यहाँ पे ionization energy भी क्या हो जाएगी, same हो जाएगी। अब मुझे ये बताइए कि जैसे ही हम copper से zinc की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे हमने देखा था कि size is going to be increase, यहाँ size increase हो रहा था, तब comment section में लिख के बताइए क्या यहाँ पे ionization energy कम होगी या नहीं, क्या यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी विल बी लेस और नॉट, टेल मी ऑल ऑफ यू, क्या यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी या नहीं। सो व्हाट वी कैन से,
हम क्या कह सकते हैं यहाँ? सो यू आर गोइंग टू से कि यहां पे क्या होता है? जस्ट वेट गाइस. ओके सो व्हाट यू विल फाइंड हियर, सो व्हाट यू आर गोइंग टू सी कि यहां पे साइज तो इंक्रीज हुआ बट यहां पे आपका आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा? साथ ही साथ इंक्रीज होगा. सो व्हाट यू विल फाइंड कि साइज तो इंक्रीज हुआ उसके साथ साथ योर आयनाइजेशन एनर्जी विल आल्सो गोइंग टू इंक्रीज. नाउ व्हाट इज द रीजन व्हाई इट इज गोइंग टू हैपन? ऐसा क्यों हो रहा है कि इट विल आल्सो इंक्रीज? है ना, तो हम क्या रीजन देंगे कि ये क्यों इंक्रीज हो रहा है? वी कैन से दिस इज बिकॉज ऑफ द फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. है ना, बिकॉज यू आर गोइंग टू सी कि यहां पे आपका डी ऑर्बिटल क्या हो जाता है, ये आपका 3d10 में चला जाता है, ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है. सो व्हाट यू आर गोइंग टू सी, यहां पे आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए. बिल्कुल बिल्कुल, हम क्वेश्चंस भी करेंगे बच्चा, क्वेश्चंस भी करेंगे, बट उससे पहले हमारी थ्योरी क्या होनी चाहिए? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, जब तक थ्योरी क्लियर नहीं होगी तो फिर हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे ना. सो इसलिए मैम यहाँ पे आपको पहले ये थ्योरी दे रही हैं और फिर हम क्या करेंगे, आपके क्वेश्चंस का राउंड भी लेंगे. क्लियर? सो नाउ यू कैन सी इस तरीके से आपके पास, हाँ इस तरीके से आप देखोगे कि हर मैम ने सारी क्लासेस में आपका ऐसा ही किया है. पहले मैम ने आपका थ्योरी पार्ट लिया, फिर मैम ने आपको क्वेश्चंस वाला राउंड भी लिया. तो अभी हमने सॉल्यूशंस का करा था, इसन्ट इट? अभी आपका डीएनएफ ब्लॉक का करेंगे. अभी कोऑर्डिनेशन का भी करा था मैम ने, पहले थ्योरी लिया था फिर हमने क्वेश्चंस के राउंड को लिया. ओके सो डोंट वरी विद दैट. सो नाउ व्हाट यू कैन सी, अब हम बात करते हैं जैसे ही आप टॉप टू बॉटम जाते हैं. सो जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे, मतलब दैट इज इन द ग्रुप, आप जैसे ग्रुप में मूव करोगे, सो एज यू आर गोइंग टू मूव इन 3d 4d एंड 5d, सो व्हाट यू विल सी, आयनाइजेशन एनर्जी इज गोइंग टू इंक्रीज. आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, सॉरी, है ना. सो व्हाट यू आर गोइंग टू सी, ओके तो यहां पे ये जो आयनाइजेशन एनर्जी में इंक्रीज आया, व्हाई इज इट सो? दोबारा अगर हम ये बात कर ले, सो यू कैन सी दिस इज योर 3d सीरीज, दिस इज योर 4d सीरीज एंड देन यू आर गोइंग टू सी द 5d सीरीज. है ना, तो जैसे ही आप 3d टू 4d टू 5d मूव कर रहे हो, सो व्हाई यू आर गोइंग टू सी दिस इंक्रीज इन योर आयनाइजेशन एनर्जी? और जैसे ही आप यहां 4d से 5d पे जा रहे हो, सो यू आर गोइंग टू सी मच मोर इंक्रीज. है ना, ऐसा रीजन क्या हो जाएगा इसका? व्हाट वी कैन से, द रीजन इज गोइंग टू बी योर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन. है ना, दैट इज अ पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटर. सो व्हाट विल बी दिस रीजन? द रीजन गोज विद द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ये जो आपने अभी यहां पे बताया ना, दिस वन. सो या इसी फिनोमेना को, इनर ऑर्बिटल्स जो एफ ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, दिस ओनली, इनकी पुअर शील्डिंग की वजह से ही आप इस पूरे फिनोमेना को क्या बोल सकते हो, आप इस पूरे प्रोसेस को बोलते हो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. ओके, दैट इज द पुअर शील्डिंग ऑफ योर एफ ऑर्बिटल. सो ये जो 4f की जो पुअर शील्डिंग होती है, उसकी वजह से जो भी आपके इफेक्ट्स होते हैं, दैट यू आर गोइंग टू क्लासिफाई देम एज द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. ओके गाइज, तो ये हमने देख लिया किसके अंदर, आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर. ये हमने देख लिया किसके अंदर, आपके साइज के अंदर वेरिएशन. अब हम बात कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में. सो चलिए लेट्स सी दिस कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में कैसे फर्क पड़ेगा. तो देखिए, हमने सबसे, तो यहां पे आप देख रहे हो बहुत ज्यादा वेरिएशन पड़ता है. ऐसा नहीं होता कि आपने बोल दिया कि इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होता रहेगा, डिक्रीज बोल दिया तो डिक्रीज होता रहेगा. कहीं ना कहीं बीच बीच में आप देख रहे हो कि बार बार क्या हो रहा है, सडन चेंजेस आ रहे हैं. ऐसे ही अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट्स की, सो व्हाट यू कैन सी, अगेन लेट्स टेक द सीरीज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, है ना. तो ये आपके पास हो गई आपकी सीरीज. अब अगर मैम यहाँ पे आपसे पूछे कि पूरी सीरीज में सबसे हाईएस्ट, इजंट इट, मेल्टिंग पॉइंट किसका होने वाला है, सो व्हाट आंसर यू ऑल आर गोइंग टू गिव मी?
इस पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा 3D सीरीज के अंदर? सो यू कैन सी दिस इज योर 3D सीरीज, है ना। तो 3D सीरीज के अंदर अगर हम बात करें किसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है गाइस, सो व्हाट यू कैन सी, सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पे हमने डी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करी, यू हैव D1, यू हैव D2, ऐसे ही D3 दिया, यहाँ पे आपके पास D5 हो गया विद 4s1, यहाँ पे आप देखोगे D5 विद 4s2, और जैसे ही हम बात करेंगे यहां से D6 की, इफ यू रिमेम्बर मैम ने आपको बताया था कि इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मेटलिक बॉन्डिंग के साथ साथ एक और बॉन्डिंग रहती है, क्या कोई बता सकता है कौन सी बॉन्डिंग होती है वो? कि अगर हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, सो ट्रांजिशन हाँ वेरी वेरी नाइस, सो व्हाट वी कैन सी कि इनके अंदर क्या रहती है आपकी मेटलिक बॉन्डिंग तो रहती रहती है, साथ में आपने क्या देखा था कि इनके अंदर कौन सी बॉन्डिंग रहती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग भी रहती है, इजंट इट, वेरी गुड। सो व्हाट वी कैन सी कि जैसे ही आप देखोगे हाँ तो जैसे ही आप देखोगे कि यहां पे आपके पास क्या है, एज यू आर गोइंग टू सी कि यहां पे आपके पास D5 4s1 है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू सी कि आपके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह गए, और 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते ही यहां पे आप देखोगे कि क्रोमियम इज गोइंग टू गिव यू द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वी कैन से कि यहाँ पे मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्डिंग के चांसेस है। व्हाट इज द चांसेस हियर, मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्डिंग, क्योंकि मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी यहाँ पे, है ना। सो यू विल सी मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्डिंग बिकॉज मैक्सिमम ओवरलैपिंग, ओके, क्योंकि मैक्सिमम ओवरलैप हो रहा होगा आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर मेटलिक बॉन्डिंग भी बहुत हाईएस्ट है क्रोमियम के अंदर, एज वेल एज व्हाट वी कैन से कि क्रोमियम की मेटलिक बॉन्डिंग तो हाईएस्ट हुई हुई, उसके साथ साथ उसके अंदर ये जो कोवेलेंट बॉन्ड करेक्टर हुआ वो भी बहुत ज्यादा हुआ। सो दोनों करेक्टर एकदम से क्या हो जाएंगे, ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को, सो व्हाट वी कैन से कि वो उसके ऊपर एड ऑन हो जाएगा कोवेलेंट करेक्टर। सो क्रोमियम इज गोइंग टू एग्जिबिट द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो हम क्या कहेंगे दैट दिस क्रोमियम इज गोइंग टू एग्जिबिट द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब बताइए लोएस्ट किसका होना चाहिए फिर, है ना। हम लोएस्ट किसको मार्क करेंगे कि किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे लोएस्ट हो जाएगा, सो व्हाट यू ऑल आर गोइंग टू से। अब आप देखोगे कि इनिशियली जैसे ही हम स्कैंडियम से क्रोमियम तक जा रहे हैं, सो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज गोइंग टू इंक्रीज, है ना। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, वेरी गुड। बट व्हाट वी कैन सी कि जैसे ही आप D6 की बात करोगे तो वहां से क्या बिगिन हो जाएगी, आपकी पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड कि D6 के अंदर अगर हम बात करेंगे, सो यू विल सी कि यहां पे आपके पास एक पेयर एग्जिस्ट करेगा, है ना। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, कम होने लगेगी धीरे धीरे कोवेलेंट बॉन्डिंग के, पहले 6 अनपेयर थे तो 6 की वजह से हो रही थी, देन यू आर गोइंग टू सी जैसे D6 हुआ, D7 हुआ, D8 हुआ, नो इट्स नॉट स्कैंडियम विकास, सो व्हाट यू विल फाइंड कि यहां पे आपके पास कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं, धीरे धीरे कम हो रही है बिकॉज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, सो व्हाट यू विल फाइंड कि इनके अंदर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाए, धीरे धीरे कम होने लगेगा। और लीस्ट किसका होगा, सो लीस्ट वी कैन से इज ऑफ योर जिंक, लीस्ट किसका होगा आपका, जिंक का। सो व्हाट वी कैन रिपोर्ट कि जो लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपको मिलने वाला है वो किसका मिलेगा, जिंक का मिलेगा, एंड व्हाई इज इट सो, क्यों हो सकता है। अच्छा ये बताइए जिंक के अंदर कितनी कोवेलेंट बॉन्डिंग पॉसिबल होगी, है ना। मिनिमम अगर हम मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे इस सीरीज में, सो वी कैन से दैट क्रेडिट गोज विद द जिंक। सो व्हाई जिंक, ऐसा क्या है जिंक के अंदर कि जिंक को हमने वो क्वालिटी में रख दिया,
तो हम ये कह सकते हैं जिंक का इसलिए लीस्ट है इस सीरीज में, दिस इज बिकॉज क्योंकि जिंक के अंदर व्हाट यू विल फाइंड कि जिंक के अंदर ऑलरेडी 3D10 कॉन्फ़िगरेशन रहता है ना। जिंक के पास क्या है, ऑलरेडी 3D10 है, उसके सारे डी ऑर्बिटल्स क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। सो बिकॉज उसके सारे डी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड है, इट्स नॉट गोइंग टू टेक पार्ट इन द कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो इसलिए हमने देखा था कि पूरी डी ऑर्बिटल में से जो जिंक, कैडमियम और मर्करी होता है, इसको हम कौन सी कैटेगरी में नहीं डालते। वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर जिंक, कैडमियम एंड मर्करी एज योर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। व्हाई? बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी डिफरेंट है, दैट मीन्स इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम आ रहा है। जेई जुलाई अटेम्प्ट के लिए जो ऑर्गेनिक के वन शॉट्स लिए थे, ओके श्योर, डेफिनेटली आई विल चेक दैट एएसएपी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बिल्कुल उसको चेक कर लिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या देख सकते हैं, आप देखिए यहां मैम कुछ आपको एक्सेप्शनल केसेस बताएंगे कि व्हाट एक्सेप्शंस यू आर गोइंग टू सी। तो देखिए अगर हम मैंगनीज की बात करें और टेक्नीशियम की बात करें, सो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये एक्सेप्शनली लो होता है। ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, एक्सेप्शनली लो हो जाता है। व्हाई? इनका मेल्टिंग पॉइंट भी एक्सेप्शनली लो होता है, इवन दो मैंगनीज के अंदर आप देखते हो D5 रहता है ना। व्हाई, व्हाई इज इट सो? वेरी गुड, वो तो डी ऑर्बिटल, वो तो जिंक का हो गया क्योंकि जिंक के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। वेरी गुड विकास। बट अगर हम बात करें मैंगनीज का क्यों एकदम से कम हो जाता है, यू विल फाइंड अ डिप इन द मेल्टिंग पॉइंट इन मैंगनीज। ठीक है, हमें डिप मिलता है मेल्टिंग पॉइंट में जब हम मैंगनीज की बात करते हैं आफ्टर क्रोमियम, इवन इसके पास D5 कॉन्फिगरेशन होती है। व्हाई? सो द रीजन गोज विद द, क्योंकि यहाँ पे D5 क्या होती है, स्टेबल होती है। स्टेबल होने की वजह से वो किसी और के साथ भी कोवेलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहती, वो एज इट इज D5 की तरह रहना चाहती है। वो नहीं चाहती कि मैं किसी और के साथ जाके कोवेलेंट बॉन्ड करके स्टेबल हो जाऊं, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इज इट क्लियर? नॉट ओनली दिस, व्हाट यू विल फाइंड कि ये जो जिंक, कैडमियम और मर्करी है, अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, सो व्हाट वी कैन से कि यहाँ पे एब्सेंस होगी कोवेलेंट बॉन्डिंग की, नो कोवेलेंट बॉन्डिंग इज देयर। अच्छा बताइए आपको समझ आ रहा है या नहीं गाइस, एक बार थम्स अप देके बता दो, है ना, थम्स अप देके बता दो, दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू? सो व्हाट वी कैन से, क्योंकि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी तो हम ये कहेंगे इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, आर गोइंग टू बी वेरी लो। ओके विकास, है ना, इस वजह से आप कहते हो कि जिंक, कैडमियम और मर्करी क्या होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं। एंड इफ यू रिमेम्बर, क्योंकि इनका एक्सेप्शनली लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बिकॉज ऑफ देयर एक्सेप्शनली लो बॉइलिंग पॉइंट्स, ओके, हम इनकी रिफाइनिंग भी कैसे कर सकते हैं, हम इनकी रिफाइनिंग भी करते हैं यूजिंग योर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना, हम इनको रिफाइन कर सकते हैं यूजिंग द प्रोसेस ऑफ योर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो आप मेटलर्जी के अंदर पढ़ते हो। ठीक है, व्हाई, क्यों हम ऐसा करते हैं, बिकॉज ऑफ देयर दिस कैरेक्टर ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ओके, सो लेट्स गो अहेड टू द नेक्स्ट। सो चलिए एक और क्वेश्चन मैम ने आपसे पूछ लिया, तो बताइए फटाफट से कि मर्करी जो अलोन इज लिक्विड मेटल एट 0°C, सो जो मर्करी आपका वो लिक्विड है 0°C पे भी, है ना, इतना इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है। सो व्हाट यू कैन सी, व्हाट विल बी द रीजन, अभी हमने इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स रीजन देखे कि एक तो यहाँ पे ये वीक अट्रैक्शंस हो जाएंगे, वीक मेटेलिक अट्रैक्शंस होंगे, एज वेल एज व्हाट यू कैन सी बिकॉज ऑफ द कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। वेरी गुड विकास, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, आप क्या कह सकते हो, इसके पास क्या है, हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, सो यू कैन गो विद द ऑप्शन नंबर 4। वेरी करेक्ट, सेम थिंग वी कैन से टॉक अबाउट द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, सेम लाइक योर मेल्टिंग पॉइंट। जैसा हमने मेल्टिंग पॉइंट के अंदर कैरेक्टरिस्टिक बताया,
सेम करेक्टरिस्टिक हम इसका किसके लिए बता सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के लिए बता सकते हैं, दैट एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, as the number of unpaired electron increase, so enthalpy of atomization is also going to increase, and as the number of unpaired electrons decrease, so enthalpy of atomization means will decrease. So hum kya keh sakte hain, atomization matlab jaise hi pairing start ho jayegi, as pairing begins, kyunki jaise hi pairing begin hogi you can see number of unpaired electrons are going to be decrease. ओके सो ये बेसिक्स अब हमने बता दिया आपको. अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कि किस तरीके से डी ऑर्बिटल्स के एलिमेंट आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं. सो व्हाट वी कैन से, लेट्स सी द इंपॉर्टेंट करेक्टर. तो हम ये कह सकते हैं कि इनके अंदर, यस विकास डोंट वरी अभी आएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस. तो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, सो ओके टेल मी, तो अगर यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, आपने देखा यहाँ पे n माइनस वन डी ऑर्बिटल में से भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है और ns में से भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है. तो इसलिए अगर हम इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें कि ये कौन सी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे, सो व्हाट यू गाइस कैन गेस कि यहाँ पे कौन सी कॉमन होनी चाहिए, क्योंकि हर एलिमेंट के पास कम से कम ये ns के दो इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिखाते हैं, प्लस टू दिखाते हैं, है ना. इन सम केसेस, कुछ केसेस में यू आर गोइंग टू फाइंड दे आर गोइंग टू एग्जिबिट यू एज द प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो. ये क्या दिखाते हैं, प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं. एग्जाम्पल यू हैव सीन इन द केस ऑफ योर क्रोमियम, यू हैव सीन इन द केस ऑफ योर कॉपर, ये प्लस वन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है. एज वेल एज यू विल फाइंड कि ये बहुत वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं, है ना. एकदम अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने लग जाते हैं, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन तक दिखा सकते हैं ये. सो व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का रीजन क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ एन माइनस वन डी वन से लेके टेन. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इस एन माइनस वन डी ऑर्बिटल में से निकलेंगे, वैसे वैसे हम कह सकेंगे कि ये क्या दिखाएंगे, आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करना स्टार्ट कर देंगे. ओके और हम बात करें एक एलिमेंट, दैट इज योर स्कैंडियम. स्कैंडियम इज द एलिमेंट विच इज नॉट गोइंग टू शो यू द प्लस टू, बिकॉज स्कैंडियम की अगर हम बात करें, दिस इज 3d1 4s2. सो स्कैंडियम जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल कब होता है, इट्स गोइंग टू बी मोस्ट स्टेबल इन इट्स प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की इंफॉर्मेशन है. सो व्हाट यू कैन फाइंड, तो आप देखोगे ये क्या दिखा रहा है, आपका प्लस थ्री सबसे ज्यादा दिखाएगा. ठीक है, सिमिलरली यू आर गोइंग टू फाइंड कि यहाँ पे आपके पास टाइटेनियम में देख सकते हैं, यू कैन सी इन द केस ऑफ वेनेडियम, और धीरे धीरे यू आर गोइंग टू सी एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, योर ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंक्रीज. तो हाइएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जो 3D सीरीज का एलिमेंट जो डिपिक्ट कर रहा है, दैट इज योर प्लस सेवन एज द ऑक्सीडेशन स्टेट. कौन सी है वो, प्लस सेवन है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो यहाँ पे आप देख सकते हो. ओके एंड जैसे ही पेयरिंग बिगिन हो जाएगी, सो व्हाट यू आर गोइंग टू सी कि दोबारा से योर ऑक्सीडेशन नंबर इज गोइंग टू बी डिक्रीज. सो हाईएस्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3D सीरीज इज विद योर मैंगनीज. वो कौन दिखा रहा है आपका, मैंगनीज, दैट इज योर, इट कैन शो टिल योर प्लस सेवन एज द ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना. अब हम मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, सो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यू कैन सी यहाँ पे प्लस वन है, किस किस पे, क्रोमियम कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये सब आपकी प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकते हैं. ओके कब ये कंपाउंड आपकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं सो व्हाट यू कैन से गाइस कि जब जब ये कंपाउंड्स क्या करेंगे, आपके कार्बोनिल लिगेंड्स के साथ, लाइक NiCO होल फोर के साथ एग्जिस्ट करेगा. सो यू कैन सी यहां पे निकल क्या है, अपनी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है. ओके और अगर ये कंपाउंड्स आपको क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना के दिखा रहे हैं, लाइक MnO42- या MnO4-, so you will find they are going to exist in their highest oxidation state, like plus 7 and plus 6. तो क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है,
हाउ ऑक्सीजन इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो इस पॉजिटिव चार्ज को अपने साथ क्या कर सकता है, होल्ड करके रख सकता है. तो जैसे ही वो इतने हाई पॉजिटिव चार्ज को होल्ड कर लेगा सो इट विल रिमेन स्टेबल. तो वो क्या रहेगा, अपनी स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकेगा. सो आप देख सकते हो ये इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं ये कंपाउंड्स. व्हाई इज इट सो, बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाई टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स. तो ये किसके पास होती है टेंडेंसी, ऑक्सीजन के पास होती है. एज वेल एज यू विल सी कि जैसे जैसे आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता जाएगा, है ना. सो यू ऑल नो कि एज द ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, है ना, जैसे जैसे यू विल फाइंड कि आपका सेंट्रल एमेटल एटम जो है उसका हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, है ना. सो व्हाट यू विल फाइंड कि उसके अंदर क्या लग जाएगा, मोर इज द पोलराइजिंग पावर. उसकी पोलराइजिंग पावर भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज. और जैसे जैसे उसकी पोलराइजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी सो व्हाट यू आर गोइंग टू से कि उसके अंदर कोवेलेंट करेक्टर भी इंक्रीज हो जाएगा. तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप किससे दे सकते हो, ओनली बाय नोइंग द ऑक्सीडेशन नंबर, कि किसके अंदर कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है, किसके अंदर आयोनिक करेक्टर ज्यादा है. जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना ही ज्यादा पोलराइजिंग होगा. जितना ज्यादा पोलराइजिंग होगा उसका कोवेलेंट करेक्टर भी उतना ही ज्यादा हो जाएगा. सिमिलरली यू कैन सी, तो यहां पे अगर हम बताएं सो व्हाट यू कैन से गाइस, इजंट इट, तो हम ये कहेंगे Mn2O7 इज गोइंग टू बी मोर पोलराइजिंग देन MnO2 एंड देन योर MnO. ऐसे ही अगर हम बात कर लें इन सब के अंदर दोबारा से Mn2O7+7 MnO2+4 MnO+2. अब देखिए जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा था आपने कहा कोवेलेंट करेक्टर भी उतना इंक्रीज होगा. नॉट ओनली दिस, व्हाट वी कैन से, जैसे जैसे आपका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा आप एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड में भी डिफ्रेंशिएट कर पाओगे. Why? Because जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो किसकी तरह काम करेगा, एज अ मोर एसिडिक ऑक्साइड. वो क्या बन जाएगा, आपका एसिडिक ऑक्साइड बन जाएगा. बिकॉज अब उसके अंदर वो किसकी तरह काम करेगा, एज योर लुईस एसिड, मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ मोर इंक्रीज इन योर पॉजिटिव चार्ज. तो इस तरीके से आप देख सकते हो. ओके सो लेट्स सी दिस वन. अब हम आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ओके यू आर सपोज टू गिव मी द आंसर. सो देखिए टाइटेनियम 4+ इज मोर स्टेबल देन टाइटेनियम 3+. व्हाट विल बी द रीजन हियर, क्या रीजन दे सकते हैं हम कि टाइटेनियम 4+ ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू द टाइटेनियम 3+. इस तरीके से आपके पास assertions और reasons में क्वेश्चन आते हैं. सो हम कह सकते हैं कि क्यों टाइटेनियम 4+ इज मोर स्टेबल, बिकॉज इन टाइटेनियम 4+ यू आर गोइंग टू फाइंड 3D0 4S0 configuration. Means you will find it as a completely filled orbital. And a completely filled ho jayega ye. Completely filled noble gas configuration aa jayegi uske paas. That is argon ki configuration le lega wo. Hai na, to is tarike se aap kahoge ki yahan pe ye stable ho jayega. Agar hum baat kare Mn2+ is more stable than Mn3+. Kyun aapka Mn2+ zyada stable hoga Mn3+ se, what you can give the reason? बताइए इसका आप रीजन क्या दे सकते हो. सो वी कैन से कि Mn2+ के पास क्या है, यू आर गोइंग टू सी 3D5 ओनली. सो व्हाट यू हैव ओनली, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो आपके पास यहां पे क्या है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. हाय विकास, सो यू आर गोइंग टू सी अगेन इट इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन योर Mn+3, है ना, वेरी गुड. Not only this, अगर हम बात करें Fe3+ is more stable than your Fe2+. ऐसे ही आप ये वाला रीजन दे सकते हो that why your Fe3+ is going to be more stable than Fe2+. Very good. So again you can say guys, that is because of your half filled configuration. दोबारा से आप आंसर क्या दे सकते हो, इसकी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन से आंसर दे सकते हो. ओके मींस इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका रीजन हो जाएगा. तो ये आज हमने देख लिया किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर. ओके नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि कॉपर की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, बताइए क्या कॉपर +1 में ज्यादा स्टेबल होगा या कॉपर +2 में ज्यादा स्टेबल होगा.
विच कॉन्फिगरेशन यू कंसिडर? आपको क्या लगता है कॉपर कौन सी वाली कॉन्फिगरेशन में ज्यादा स्टेबल होना चाहिए? क्या कॉपर प्लस वन में ज्यादा स्टेबल होना चाहिए या कॉपर प्लस टू में ज्यादा स्टेबल होना चाहिए? सो जनरली स्टूडेंट्स क्या आंसर देते हैं कि कॉपर किस में स्टेबल हो जाएगा आपका? प्लस वन वाली कॉन्फिगरेशन में, क्योंकि वो यहां पे पहुंच जाएगा किसमें? इसमें ही बोलते हैं ना, बिकॉज यू आर गोइंग टू से इट विल गोइंग टू अटेन द 3D10, क्योंकि वो यहां पे क्या पहुंच जाएगा? 3D10 में पहुंच जाएगा. बट एक्चुअली दिस इज नॉट सो, ऐसा नहीं होगा. व्हाट आई कैन से, एक्चुअली दिस इज नॉट सो. ओके, एक मिनट, हाँ बिल्कुल, एक मिनट लो, दो मिनट लो, आराम से आंसर करो, है ना. तो हम क्या कह सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. तो हम ये कहेंगे Cu2+ इज मोर स्टेबल. अब इसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन. हाई हाइड्रेशन क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज. तो जिसका साइज कम होगा उसका हाई हाइड्रेशन ज्यादा होगा. ओके, सो व्हाट यू कैन सी इन एक्वस स्टेट, इट इज गोइंग टू बी मोर हाइड्रेटेड. सिमिलरली एक्वस मीडियम में यू विल फाइंड समटाइम्स क्रोमियम प्लस 3 इज मोर स्टेबल. अब व्हाट इज द रीजन फॉर क्रोमियम प्लस 3 टू बी मोर स्टेबल? क्यों आपका क्रोमियम प्लस 3 ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? तो देखो, क्रोमियम प्लस 3 का भी मैम आपको रीजन देंगी. सिमिलरली जब हम टॉप से बॉटम पे आएंगे, सो यू विल फाइंड दैट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर गोइंग टू बी स्टेबल, लाइक योर रुथेनियम एंड ऑस्मियम आपको हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे ऑफ प्लस 8. ओके, सो ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास एक्सेप्शन, ये आपके पास लेंथेनाइट सीरीज है और एक्टिनाइट सीरीज जो आपको क्या दिखाती है? प्लस 3 एज योर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाती है. ओके, धीरे धीरे नीचे आएंगे तो यू विल फाइंड कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है. ओके, क्रोमियम और मैंगनीज के जो कंपाउंड्स है ये कम स्टेबल होंगे हायर में, दैट इज इन प्लस 7 और प्लस 6. ये ज्यादा देर ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो ये अपना क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे. रिडक्शन करेंगे मीन्स दे आर गोइंग टू एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये एक बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे. इसी तरीके से हम कह सकते हैं क्योंकि ये सारे क्या है? गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, बिकॉज दे आर गोइंग टू गिव यू द ऑक्सीडेशन से स्टेबल कॉम्प्लेक्स एंड दीज आर गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज ये रिडक्शन से आपको क्या देंगे? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देंगे. सो यू कैन सी दीज आर द ऑल डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय दीज कंपाउंड. ओके, अभी थोड़ी सी और आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स बची है और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बची है विच वी आर गोइंग टू कवर इन योर नेक्स्ट सेशन. ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास. बाकी का मैम आपके साथ डिस्कस करेंगी बट नॉट नाउ इन योर अपकमिंग सेशंस. ओके, सो ये बहुत सारे आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज का पार्ट है. ओके, बट वी विल कवर दिस इन द लेटर सेशंस. सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास गाइज. यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी ऐप, आप मैम को फॉलो कर सकते हो. And thank you guys. Don't forget to subscribe the channel, press the bell icon and do like and share the session. So bye bye everyone and take care.